नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक मजेदार वीडियो में। मैं हूं नीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गाड़ी के टायर जल्दी घिसने की वजह के बारे में जानेंगे। तो वैसे जो गाड़ी का टायर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महंगा पार्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो टायर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है लगभग 25 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आती है, और यही जब हमारा टायर जल्दी घिसने लगता है यानी हमें लाइफ कम मिलती है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो 30 पैसे, 40 पैसे और 50 पैसे तक पर किलोमीटर पहुंच जाती है। तो वैसे जो पहला नंबर है मेंटेनेंस कॉस्ट का गाड़ी का, वो फ्यूल कंजप्शन का है, और दूसरे नंबर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा आता है वो हमारे टायर से ही आता है। यानी टायर हमारा एक इम्पोर्टेंट और महंगा पार्ट भी है। तो टायर घिसता है, उसको कैसे पहचाने कि ये किस वजह से घिस रहा है? तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये माइंडसेट होता है कि भाई अगर हमारी गाड़ी का टायर किसी वजह से घिस रहा है तो उसका मेन कारण है व्हील अलाइनमेंट आउट है, यानी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है, इसीलिए टायर घिस रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ज़्यादातर जो वजह होती है टायर घिसने की वो अलाइनमेंट की ही वजह होती है। तो वैसे बेसिकली अलाइनमेंट में तीन एंगल्स होते हैं, टो एंगल, कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल। टो एंगल जो ज़्यादातर हम सेट करते हैं, बाजार में भी इसको सेट किया जाता है, यानी हम अलाइनमेंट करते हैं तो टो एंगल को सही करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के टायर कम घिसते हैं, उतने ही घिसेंगे जितना नॉर्मली घिसता है। दूसरा जो होता है कैम्बर एंगल, अगर वो आउट होता है तो उसकी वजह से भी हमारा टायर घिसने लगता है, और उसकी वजह से हमारी हैंडलिंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन सारी गाड़ियों में इस एंगल की एडजस्टमेंट नहीं होती है। ज़्यादातर जो एडजस्टमेंट होती है वो टो एंगल की होती है। और तीसरे नंबर पर आता है कैस्टर एंगल। तो कैस्टर एंगल बेसिकली गाड़ी की हैंडलिंग को सही करता है, इसकी वजह से टायर घिसने की समस्या बहुत ना के बराबर होती है। तो ज़्यादातर हम व्हील अलाइनमेंट में टो को ही एडजस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमारा टायर घिस रहा है तो वो किसकी वजह से घिसता है। तो पहले टो एंगल को ही लेते हैं। जब हमारा टायर अंदर की साइड से बाहर की साइड घिस रहा है, यानी अंदर की साइड से शुरू होगा और घिसते 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 बाहर की साइड ज़्यादा घिस जाएगा, या फिर बाहर की साइड से घिसना शुरू होकर अंदर की साइड तक ज़्यादा घिस रहा है, तो वो घिसता है टो एंगल की वजह से। और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि जब हम टायर पे अपना जो हाथ है, उंगलियाँ हैं, उसको स्पर्श करें, तो जैसे ही हम स्पर्श करेंगे अंदर बाहर, तो हमारा जो हाथ है वो टायर पर स्मूथली नहीं स्पर्श करेगा, कहीं कहीं रुकावट आएगी, यानी जो उसकी किनारी है वो खड़ी हो जाती हैं, जो हमारा ट्रेड वियर है टायर का उस पर किनारी बन जाती है अलाइनमेंट आउट होने से, और वो हमें फील होती हैं कि हमारा ये टायर घिस रहा है। इसके बाद जब हमारा टायर अंदर का किनारा घिसता है या बाहर वाला किनारा घिसता है, तो उस कंडीशन में हमारा कैम्बर आउट हो सकता है, कैम्बर की वजह से घिस सकता है। इसमें अगर हमारा अंदर की साइड से अंदर वाला किनारा घिस रहा है तो हमारा जो नेगेटिव कैम्बर है उस व्हील का, इसकी वजह से घिस रहा है, या फिर बाहर की किनारा घिस रहा है तो पॉजिटिव कैम्बर है व्हील का, जिसकी वजह से बाहर का किनारा घिस रहा है। तो ये तो हो गए टो एंगल और कैम्बर एंगल की वजह से। इसके बाद और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसको हम कैसे पहचानें कि ये व्हील अलाइनमेंट की वजह से है या किसी और वजह से है। जब हमारा टायर के दोनों किनारे घिसने लगते हैं, गाड़ी का जो व्हील है, टायर है, उसमें हवा कम होने की वजह से ऐसे होता है। और इसके अलावा इसमें अगर टायर में कोई कमी आ जाती है, जैसे टायर हमारा ओवल शेप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये टायर के किनारे घिसने लगते हैं। इसके अलावा जब टायर हमारा बीच के साइड से ज़्यादा घिसता है और अंदर की साइड सेफ रहता है, तो हमारा उस कंडीशन में उस टायर की हवा
ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा हवा से उस टायर का जो डीशेप हो जाता है टायर, तो बीच वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा घिसता है, बीच बीच में ज़्यादा घिस जाता है और जो किनारा है वो ठीक रहता है। इसके अलावा अंदर से या बाहर से अगर टायर में अनइवन घिस रहा है, ऊंचा नीचा घिस रहा है, कहीं घिस रहा है कहीं नहीं घिस रहा है, तो ये हमारे सस्पेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और सस्पेंशन में मेन जो पार्ट होता है वो शॉकर्स का होता है या हमारा लोअर आर्म का होता है, चिमटे का होता है। इसके अलावा और भी कोई सस्पेंशन पार्ट अगर ख़राब है तो उसकी वजह से भी टायर अनइवन घिस जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जब टायर हमारा फूल जाता है, यानी टायर में बल जा जाता है, टायर काफ़ी पुराना हो जाता है, तो वो टायर कहीं से ज़्यादा घिस जाता है कहीं से नहीं घिसता है, तो इसकी वजह से हमें वो चेंज करना पड़ता है। तो ये टायर की प्रॉब्लम की वजह से भी टायर जल्दी घिसने लगता है। और इसके बाद जो आखिरी जो वजह है टायर घिसने की, वो एक वजह भी मान सकते हैं या आप उसे अपनी भूल भी मान सकते हैं या अपनी लापरवाही भी कह सकते हैं, और वो है टायर रोटेशन। यानी टायर रोटेशन अगर हमारा ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो हमारा टायर की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और जल्दी घिसने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई नई गाड़ी लेते हैं और नई गाड़ी उसकी सर्विसिंग वगैरह भी अच्छी तरह टाइम से कराते रहते हैं और यहाँ तक कि व्हील अलाइनमेंट भी कराते रहते हैं, लेकिन उसको टायर को रोटेट नहीं कर पाते हैं, टायर जो हमारे चार टायर हैं उनको आगे पीछे दाएं बाएं रोटेट नहीं करते हैं, जिससे टायर एक ही जगह घिसने लगता है और जिससे टायर जल्दी ख़राब हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी में चारों टायर अपने एंगल के हिसाब से अलग अलग तरह से घिसते हैं, यानी कोई बाहर से घिसेगा कोई अंदर से घिसेगा। और वहीं जिन गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसके आगे के टायर जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि आगे हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, व्हील अलाइनमेंट का भी इशू हो सकता है और हमारी स्टीयरिंग ब्रेकिंग ये सारा आगे होता है। इसके बाद जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है उनमें पीछे का भी टायर घिसता है, लेकिन उसकी जो घिसने की स्पीड है वो थोड़ी कम होती है। इसके अलावा रियर में हमारी अगर रियर व्हील की अलाइनमेंट अगर आउट है तो उसकी वजह से भी टायर घिसता है, और रियर व्हील की अलाइनमेंट है वो ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं होती है, और होती भी है तो मार्केट में कोई करता नहीं है, जिससे हमारे पीछे वाले टायर भी कई बार जल्दी घिस जाते हैं और टायर रोटेशन ना होने की वजह से वो जल्दी घिस जाते हैं और आगे के सही रहते हैं। इस तरह से हमें जो टायर की लाइफ है वो पूरी नहीं मिल पाती है और हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी गाड़ी का टायर जल्दी क्यों घिस रहा है। तो ये कुछ खास वजह थी। वैसे टायर घिसने के क्या क्या कारण होते हैं ये एक वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और इनके कारणों का पता लगा सकते हैं कि किन किन वजह से हमारे टायर घिसते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आज टायर घिसने के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।